तो आ चुके हैं स्टडी मॉइंड कोचिंग क्लासेस से। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 5.1 जो कि एपी की थी वो कंप्लीट करी थी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 पे मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो मेन बोल सकते हैं कि फॉर्मूला रहेगा वो इस फॉर्मूले पे हमारा एक्सरसाइज बेस होगा। और ये आपको पता ही होगा यहाँ ए एन का मतलब वो जो कौन सी टर्म मांग रहा है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले पे ही हमारी चीजें आज चलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। और पहले ही बता रहा हूं मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारे करवा दूंगा तो आपकी खुद की प्रैक्टिस तो कुछ होगी ही नहीं, तो इस कारण से आपको भी करने पड़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द डिफरेंस, एन इज द nth टर्म ऑफ एन। nth टर्म मतलब वही जो मांगेगा। पहला क्वेश्चन, ए दिया 7, डी दिया 3, एन दिया 8, आपको बोल रहा है an निकालना। हमें निकालना है an, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए दिया 7, टी दिया 3, एन दिया 8, मतलब मुझे an मतलब मुझे ap की 8th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 8th टर्म। a कितना? 7 प्लस एन माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 कितना होगा? 7 इंटू 3, क्योंकि d 3 है। अच्छा कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि 7 प्लस 7 14, 14 इंटू 3 42, ऐसा नहीं होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 7 प्लस 21, तो मेरी 8th टर्म कितनी होगी? 28। तो ये मेरे एपी की 8th टर्म आ गई। ये ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो अब आपको चार चीजों में से तीन चीजें गिवन रहेगी और एक चीज निकालनी रहेगी। तो हो सकता है वो ए निकालना हो, डी निकालना हो, एन निकालना हो, एन निकालना हो, सभी में प्रोसीजर सेम ही फॉलो होता है और फॉर्मूला भी सेम ही लगता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूं जिसमें हमें एन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि ए है -18.9, डी है 2.5, एन आपको निकालना है और ए एन आपको दिया हुआ है 3.6। मतलब अब आपको ए एन दिया हुआ है 3.6 और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फॉर्मूला लगाते हैं, 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट में 2.5 मल्टीप्लाई है, क्योंकि एन नहीं है तो मैं एन को एन ही रहने दूंगा। -18.9 को उधर भेजते हैं प्लस में, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ब्रैकेट में 2.5। अब अगर ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 2.5। अब मैं दो तरीके हैं, 2.5 को मैं n से मल्टीप्लाई करूं, 2.5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं। इससे अच्छा 2.5 मल्टीप्लाई में मैं इसको लेके आता हूं नीचे, तो 2.5 आ गया इधर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 के टेबल में 225 आता है 9 बार, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो n कितना आ गया आपका 10। तो मतलब इस ap की कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है। बाकी सेकेंड, आपका थर्ड एंड आपका फिफ्थ, ये आपके लिए रहेंगे होमवर्क। आई होप आप कर लेंगे, इतने मुश्किल नहीं है कि आप कुछ भी ना कर पाए। चलिए तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं एक ही करूंगा, 30th टर्म ऑफ एन एपी। वी हैव टू फाइंड 30th टर्म ऑफ एन एपी एंड एपी आपको दिया हुआ है 10 7 4। 30th टर्म निकालनी है, मतलब ये हो गया n, और अगर 30th टर्म है तो कल मैंने कल ही बताया था कि a प्लस 29 डी होगा, क्योंकि n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 29, तो a प्लस 29 डी। अब a कितना हो जाएगा? 10। d कितना होगा? 7 माइनस 10, इसको मैं इससे माइनस करूंगा जो कि होगा माइनस 3, प्लस 3 नहीं होगा। तो इस फॉर्मूला में पुट करें 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो 10 प्लस 29 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 87, तो ये आया 87 और माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, 10 माइनस 87 77 जो कि होगा माइनस का। तो मेरी ए 30 कितनी आई या एपी की थर्ड टर्म कितनी, 30 टर्म कितनी आई? माइनस 77। इसका एक क्वेश्चन जो कि आप करोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब बच्चों में डायरेक्ट आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना पूछता भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जो मेन क्वेश्चन है वो पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4,
विच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब विच टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, एंड निकालना है. एपी दिया हुआ है इज 78, मतलब हमें ये पूछा है कि एक एपी है, उस एपी की 78 टर्म कौन सी होगी, मतलब 78 नंबर कौन से टर्म में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 4, एपी दिया है 3, 8, 13, 18, और ये ऐसा दिया है 78. तो बच्चों कभी भी ऐसा दिया हो डॉट 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 करके ये रुक गई हो, तो मतलब अब विच टर्म लिखा है उसने, विच टर्म का मतलब क्या है, हमें एन निकालना है. ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना. तो मुझे एन निकालना है, मेरे पास ए हो गया 3, डी हो गया 5. डी कैसे निकालना है, 8 - 3. चलिए फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी. an कितना होगा, ये होगा 78, क्योंकि उन्होंने पूछा 78 कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन सी टर्म में आ रहा है. ए 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, 5. 3 प्लस का उधर जाके माइनस, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5, 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5, 5 मल्टीप्लाई का नीचे चले जाएगा, 75/5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल्स टू 16, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1. ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, और आप भी ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं, पहली दूसरी एक्सरसाइज भी बड़ी आसान है. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब वही एन निकालना है. हमें एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 और डॉट 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 205. 7, 13, 19 और डॉट 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 205 क्या निकालना है, एन निकालना है. ए कितना होगा बच्चों, बोलो बोलो बोलो, 7. डी कितना होगा, 6. 13 - 7 ए है, 7, 6, ए है, डी है. फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. वीडियो को पॉज करिए और ये निकालिए. चलिए तो आपका एन आ रहा होगा 34, इसी फॉर्मूले से किया होगा. तो अब हम बढ़ते आगे. चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, मतलब हमें चेक करना है कि -150 टर्म होगी या नहीं होगी. हमारा -150 टर्म है, एपी है ये. ठीक है, अब हम चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे, हमको निकालना एन है. अगर एन पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देंगे कि ये टर्म है, अगर नहीं आया तो नहीं है. देखो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. an की जगह -150, a की जगह 11 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है -3, 8 - 11, 11 उधर जाके माइनस का तो वो जाएगा 161, -150 - 11 इज इक्वल्स टू बचा एन माइनस 1 -3, -3 आ जाएगा नीचे -161/-3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस गया, बट 3 से 161 नहीं जा सकता, जाएगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में कभी भी एन नहीं हो सकता. तो हम बोलेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, इज नॉट द टर्म ऑफ एपी. चलिए अब हम बड़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हूज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7, हमें निकालना है फाइंड द 31st टर्म. हमें 31st टर्म निकालनी है एपी की, मतलब ये तो हो गया आपका एन. मुझे दिया है कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, ये मुझे दिया हुआ. अब 11th टर्म का मतलब क्या है बच्चों, 11th टर्म का मतलब है a प्लस 10d. ये तो आपको भी पता है कि 11th टर्म का मतलब 10d होगा माइनस 1 करके, इज इक्वल्स टू 38, ये मुझे दिया हुआ. 16th टर्म का a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73. तो अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करूंगा, एलिमिनेशन मेथड. याद आया बच्चों, एलिमिनेशन मेथड चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो एलिमिनेशन मेथड हमने वहां सीखी थी. तो बाहर लगाएंगे माइनस, ए कॉमन है, माइनस माइनस, तो ए से ए कट गया, ये हो जाएगा -5d और 38 - 73, 73 - 38 कर लेते हैं,
13 में 13 माइनस 5 5 6 35, तो इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस गया, डी की वैल्यू आएगी 35 अपॉन 5 जो कि होगी 7। अब डी की वैल्यू आ गई तो ए के निकाल सकते हैं अपन, इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, 10 इंटू 7 कर दिया, हाँ ए इज इक्वल टू माइनस 32, 38 माइनस 70। अब ए आ गया, मेरे पास डी आ गया, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म। आप ही सोचिए 31st टर्म को मुझे क्या लिखना चाहिए, ए प्लस 30d, ए कितना था माइनस 32, डी कितना था 7, तो माइनस 32 प्लस 30 into 7 210, अब इससे माइनस करो 10 minus 2 8 0 7 और 1, तो मेरा आंसर आएगा 172। मेरी ए 31 कितनी है, 172। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए रहेगा होमवर्क, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है भैया, ऑन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी है, उसकी थर्ड टर्म हमें दी हुई है 12, मतलब इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। उस एपी में टोटल में 50 टर्म्स है, कितने टर्म्स है टोटल में 50 टर्म्स है, और हमें दिया है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है। लास्ट टर्म मतलब बच्चों 50 टर्म होगी, लास्ट मतलब 50th होगी, 50th टर्म हमें कितनी दी है 106। 15th टर्म को क्या लिखना चाहिए मुझे, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। आप इसे सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी और d की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से किया। जैसे ही a और d की वैल्यू आ जाएगी तो हमें क्या निकालना है, 29th टर्म। 29th टर्म को आप क्या लिखोगे, a प्लस 28d, जो भी a की वैल्यू आएगी वो यहां डालोगे, जो भी d की वैल्यू आएगी वो यहां डालोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ते हैं 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th, चलो इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है सेम ही क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। हमें एपी की थर्ड टर्म दी हुई है 4 एंड 9th टर्म दी हुई है माइनस 8, और वो ये पूछ रहा है कि विच टर्म मतलब एन निकालना है, विच टर्म इज 0। सबसे पहले तो हम ए और डी निकाल लेते हैं एलिमिनेशन से। थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 2d, 9th टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, हाँ a से तो a कट गया, ये हो गया माइनस 6d और ये हो गया 12। d की वैल्यू आएगी माइनस 2 क्योंकि माइनस 6 नीचे चले जाएगा। a की निकाले तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मैंने इसमें पुट किया है ये वाली में, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 8, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो a की वैल्यू आ गई 8, d की वैल्यू आ गई माइनस 2। चेक करना है कि 0 कौन सी वैल्यू होगी, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, हमें n निकालना है क्योंकि विच टर्म मतलब n निकालना है। an कितना होगा 0, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1d कितना है माइनस 2, 8 उधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस, और सर इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 नीचे चला जाएगा, माइनस 8 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये कट गया, एन 4 आया, 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 5, मतलब एपी की जो 5th टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। समझ में आ गया, इसमें एलिमिनेशन का भी फंडा यूज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ मूव करते हैं। 10th बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब बढ़ा देती है 10th टर्म को 7 से, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन, उसने बोला एपी की जो 17th टर्म है, कौन सी टर्म 17th टर्म, वो
टेंथ टर्म को सेवन से बढ़ा देती है, सेवन से बढ़ाती है, सेवन्थ टर्म से नहीं बढ़ाती, सेवन से बढ़ाती है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बोल रहा है कि डी निकालो, डी हमें निकालना है। सेवनटीन टर्म को क्या लिखूंगा, ए प्लस सिक्सटीन डी। टेंथ टर्म को क्या लिखूंगा, ए प्लस नाइन डी प्लस सेवन। यही होगा फंडा, ए से ही कट गया, सिक्सटीन डी नाइन डी उधर जाके माइनस नाइन डी इज इक्वल टू बचा सेवन, ये हो जाएगा सेवन डी इज इक्वल टू सेवन, डी इज इक्वल टू सेवन अपॉन सेवन या वन। तो टेंथ भी आ गया आपका, ठीक है। ये ऐसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जितना आपको मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 के ऊपर। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39, ये एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी टर्म होगी एपी की जो 132 मोर देन होगी 54th टर्म से। देखो सबसे पहले तो मैं चीजों लिख देता हूं। ए, अच्छा मुझे एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, ए हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 12, 15 माइनस 3। तो उसने बोला ऐसी कौन सी टर्म होगी एपी की, ऐसी कौन सी टर्म होगी एपी की, मतलब सबसे पहले तो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मुझे एन निकालना है। ऐसी कौन सी टर्म होगी एपी की जो 132 मोर देन 54th टर्म होगी, क्या होगी, 132 मोर देन 54th टर्म होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका ए एन इक्वल है, मैं ए एन को हटा देता हूं क्योंकि ये और ये हमें तो टर्म निकालनी, तो मैं लिखता हूं 132 प्लस 54th टर्म को क्या लिखूंगा, ए प्लस 53 डी इज इक्वल्स टू ए की जगह 3 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 12। सॉल्व करें, 132 प्लस ए की जगह 3 और 53 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 106, 53 636, मतलब 636 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 12 तो ये हो जाएगा 135 और 636 प्लस 135 117 और ये हो जाएगा 7 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 डी, 3 को मैं उधर भेज दूंगा तो 771 माइनस 3 और उधर बच जाएगा एन माइनस 1 12 ये हो जाएगा 768 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 12 12 मल्टीप्लाई में नीचे भेजे 768 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 देखें इससे कट जाएगा 6 ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू एन माइनस 1 एन इज इक्वल्स टू 65th टर्म, मतलब 65वीं टर्म ऐसी होगी एपी की जो 132 ऐड हो जाएगी 54 में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, राधे राधे।